येसु की वाणी जीवन ज्योति, येसु की वाणी आत्मा शक्ति, येसु की वाणी जीवन ज्योति, येसु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, येसु की वाणी जीवन ज्योति, येसु की वाणी आत्मा शक्ति, येसु की वाणी सुखी वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ, सैमुएल का पहला ग्रंथ। मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। साउल समस्त इसराइल के 3,000 चुने हुए योद्धाओं से लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे पर भेड़बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह ना होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बातें सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद अपनी हानि कर चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया। मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में रखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझे ना तो अपनी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आपने मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करें, प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा, यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इसराइल के राजा
किससे लड़ने निकले? आप किसका पीछा कर रहे हैं, मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करें, मेरा पक्ष लें और मुझे आपके हाथों से छुड़ा कर न्याय दिलाएं। जब दाऊद साउल से यह सब बातें कह चुका था तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय आपके पक्ष में है, तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्य काल में इसराइल फलेगा फूलेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने बुलाया जिससे कि वे उनके साथ रहें। यीशु पहाड़ी पर चढ़े, वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहें, और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सकें। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया, सिमोन को जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को जिनका नाम उन्होंने बुअरनगेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियस, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेउस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्कारियोती को जिसने यीशु को पकड़वाया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे, पत्थर से चोट न लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत एग्नेस की याद करती है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। अपने कुंवारेपन को उसने अखंड रखा और प्रभु के लिए अपने जीवन को उन्होंने शहीद कर दिया। आज जब हम इस संत को याद करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी जीवनी के विषय में हमें अवश्य जानना चाहिए। संत एग्नेस ने कहा, जब उसके जल्लादों ने, उस पर अत्याचार करने वालों ने, उसके कुंवारेपन को लूटने वालों ने जब यह प्रयास किया और उसके कुंवारेपन को अपवित्र करना चाहा,
तो संत एग्निस ने कहा कि आप मेरे रक्त से अपनी ये तलवार रंग सकते हैं, किंतु प्रभुवर को समर्पित मेरी इस काया को कलंकित कदापि नहीं कर सकेंगे। यह उसका विश्वास था। यह छोटी बालिका, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को समर्पित थी। उसके रोम रोम में प्रभु के लिए जो प्रेम भरा हुआ था वह उसके लिए समर्पित थी। जिन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन पवित्र रखा और उसे प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया, और वो कहती हैं कि आप मेरे रक्त से अपनी ये तलवार रंग सकते हैं, किंतु प्रभु और समर्पित जीवन जो मैं व्यतीत करती हूं, मेरी इस काया को कलंकित कदापि नहीं होने देंगे। संत एग्नेस ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया था और वह उन्हीं के लिए जीती थी। यह उनका कथन था कि आप मेरे रक्त से अपनी तलवार अवश्य रंग सकते हैं, किंतु प्रभुवर को समर्पित मेरी इस काया को आप कदापि कलंकित नहीं कर सकेंगे। इसलिए संत एग्नेस के शब्द, जिन्होंने अपने कौमार्य की रक्षा के लिए खुशी से अपने प्राण दे दिए, वो प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर को समर्पित थी। संत एग्नेस का जन्म तीसरी शताब्दी के अंत में रोम नगर के एक कुलीन एवं संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता प्रभु यीशु के परम भक्त थे, अतः बचपन से ही एग्नेस के हृदय में यीशु के प्रति गहरा प्रेम था और उसने स्वयं को कुंवारी के रूप में प्रभु को समर्पित कर लिया था। एग्नेस बहुत ही सुंदर बालिका थी, अतः किशोरावस्था से ही रोम के अनेक कुलीन नवयुवक उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु जो भी एग्नेस से विवाह का प्रस्ताव रखता उन सबको वह एक ही उत्तर देती थी कि ईश्वर का पुत्र यीशु राजा, जो स्वर्ग का राजा है, वही मेरा पति है। मैंने अपना कौमार्य उन्हीं को अर्पित कर दिया है। शरीर की आंखों से तो उन्हें कोई नहीं देख सकता। जब उन नवयुवकों ने देखा कि एग्नेस किसी भी तरह उनके वश में नहीं आती, तो उन्होंने राज्य के अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी कि एग्नेस क्रिस्त की अनुयायी है, उनकी आराधना करती है, पूजा करती है। इस तरह से अनेक अभियोग इस बालिका पर लगाए जाने लगे, क्योंकि वो इन नवयुवकों से विवाह करने के लिए मना करती थी। उन दिनों रोम में सम्राट डायोक्लेशियन का शासन था और वो ईसाइयों का कट्टर विरोधी था और बड़ा ही निर्दयी राजा था। उन पर अत्याचार करता, उन्हें सताता। इस बात की जानकारी मिलते ही सम्राट के आदेश से एग्नेस को पकड़कर राज्यपाल के पास ले जाया गया। तो राज्यपाल ने सोचा, लड़की की उम्र कम है, नादान है, डराने धमकाने से जल्दी ही रास्ते पर आ जाएगी। किंतु उसका विचार गलत निकला। एग्नेस के शब्द में घोषणा थी। उन्होंने कहा, प्रभु और क्रिस्त के सिवा कोई भी मेरा पति ना तो हो सकता है और ना ही होगा। मैं उन्हीं के चरणों की दासी हूं, वही मेरे स्वामी हैं। राज्यपाल को इस बात पर बड़ा क्रोध आया, तो उसने एग्नेस को कड़े शब्दों में धमकाना शुरू किया, किंतु एग्नेस टस से मस नहीं हुई। इस पर राज्यपाल ने आदेश दिया कि एग्नेस को जिंदा जला दिया जाए। उन दिनों ईसाइयों को सताने के बड़े क्रूर और निर्मम तरीके अपनाए जाते थे, जैसे कि शिकंजे में बांध कर खींचना, गरम सलाखों से जलाना, कांटेदार कोड़ों से मार मार कर शरीर की चमड़ी उधेड़ डालना। इस तरीके की यातनाएं प्रभु के अनुयायियों को दी जाती थी। इसके लिए सामग्री एक एक करके लाई जाती थी। लोगों के दिल कांप रहे थे, किंतु एग्नेस के चेहरे पर प्रसन्नता थी और वो कह रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि शीघ्र अपने प्रियतम से मिलने जाऊंगी।
और यीशु के साथ स्वर्गीय आनंद पाने की कल्पना से वो अत्यंत ही आनंद विभोर हो उठी। तब वे दुष्ट अत्याचारी एग्नेस को किसी देवता की मूर्ति के सम्मुख ले गए और उसकी आराधना करने की मांग करने लगे, किंतु एग्नेस ने केवल क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए हाथ उठाए। इस पर राज्यपाल ने पुनः इस बालिका को धमकाया, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें वैश्यालय में भिजवा दूंगा, वहां शहर के आवारा नौजवान तुम्हारे कौमार्य को कुचल डालेंगे जिस पर तुमको इतना गर्व है। एग्नेस ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, ईसा मसीह मेरे रक्षक और मेरे प्रभु हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगे। आप मेरे रक्त से अपनी यह तलवार रंग सकते हैं, किंतु प्रभुवर को समर्पित मेरी इस काया को कलंकित कदापि नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर राज्यपाल आग बबूला हो उठा। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया और एग्नेस को वैश्याले में ले जाने और वहां उसका कौमार्य नष्ट करने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर नगर के अनेक आवारा युवक उसकी ओर लपके, किंतु जो भी एग्नेस के सामने आता उसके चेहरे पर झलकती पवित्रता को देखकर अजीब भय से कांप उठता और किसी को यह साहस नहीं हुआ कि वह एग्नेस को छू तक पाए। एक दुष्ट युवक एग्नेस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उस पर आकाश से बिजली गिरी और वो अंधा होकर वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा, किंतु एग्नेस अपने प्रभु की महिमा गा रही थी। इस पर उस युवक के साथी उसे लेकर एग्नेस के पास आए और उससे निवेदन किया कि वे उस युवक को क्षमा कर दें और अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि वह फिर से देख सके। एग्नेस ने युवक को क्षमा कर दिया और प्रभु से प्रार्थना की और वह युवक तुरंत चंगा हो गया। इस पर लोगों में भय छा गया और अनेकों ने प्रभु में विश्वास किया। जब राज्यपाल को इसकी सूचना मिली तो उसने तुरंत एग्नेस का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर एग्नेस और अधिक पुलकित हो उठी। उस निर्मम हत्याकांड के लिए नगर के बीचों बीच एक मंच बनवाया गया। वहां जल्लाद हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। एग्नेस हाथ पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां पहने खुशी से मंच की ओर बढ़ी, जैसे कि कोई वधू बड़ी उमंग के साथ विवाह मंडप की ओर बढ़ती। मंच पर पहुंचकर वे घुटनों के बल बैठ गई और उसने यूं प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा, तुझे लाखों बार धन्यवाद। तूने अपनी इस दीन दासी पर बड़ी ही कृपा की है। तूने मेरे कौमारे को जो तुझको समर्पित है बचा लिया है। अब मैं तेरे पास आ रही हूं, अपनी इस दीन दासी को अपने चरणों में स्थान देना। ये कहकर उसने सिर झुका दिया। तुरंत उसकी फूल सी कोमल काया पर जल्लाद की तलवार पड़ी और एक ही बार से उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। इस प्रकार एग्नेस प्रभु को समर्पित अपने कुमारेपन की रक्षा के लिए शहीद हो गई और उसकी निर्मल आत्मा तुरंत अपने प्रभुवर क्रिस्त के चरणों में अनंत महिमा के लिए पहुंच गई। यह माना जाता है कि शहादत के समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग मसीह के लिए जीना सीख लेते हैं, मसीह को समर्पित जीवन जीना सीख लेते हैं, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इंसान अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है तो वही इंसान अपने ईश्वर के लिए, जिसे वो प्रेम करता है, जिसका आदर करता है, जिसने उसे बनाया है, उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों वो अपना जीवन पवित्र रखता, अखंड रखता है। जैसा कि आज के दिन में हमने सुना, जबकि हम संत एग्नेस की याद करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यीशु पहाड़ी पर चढ़े तो उन्होंने अपने पास 12 को बुलाया और उन्हें एक एक करके चुना और उन्हें नाम दिया और उनसे कहा, जाओ और मेरे नाम से लोगों को चंगा करो।
मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। प्रभु ये अधिकार और ये इंस्ट्रक्शंस देकर अपने चेलों को दूर दूर में गांव गांव में दो दो करके भेजते हैं। मुझे और आपको भी यही आदेश मिला है। जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो प्रियजनों हम प्रभु की संतान बन जाते हैं। हम राजा नबी और पुरोहित बनकर प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए हर एक मसीह जो प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करता है एक राजा एक नबी और एक पुरोहित का कार्यभार संभालता है। इसलिए प्रभु ने हमें यह औधा दिया है कि हम उसके नाम की महिमा के लिए अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखें। विशेष तौर पर नवयुवक युवतियां चुने हुए लोग अभिषिक्त लोग प्रभु के दास दासियां धर्म भाई धर्म बहने अपने इस जीवन को पवित्र रखें और प्रभु को समर्पित करें। क्योंकि पवित्रता के अभाव में बाइबल हमें बताती है इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस लिखता है कि कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा विश्वास और हमारा क्रिस्तीय जीवन किसी प्रकार से दूषित ना हो। संत पौलुस कहता है हम पवित्रता और विश्वास के साथ प्रभु की महिमा में जीवन बिताते रहे। आज की महान संत जिसे हम याद करते हैं संत एग्नेस, विशेष रूप से सभी कुंवारियों के लिए युवतियों के लिए और हम सभी के लिए एक महान आदर्श है पवित्रता का जीवन बिताने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तूने अपने संतों के जीवन में उन्हें अपनी आशीषों से बरकतों से भरपूर किया। आज जब हम शहीद संत एग्नेस की याद करते हैं, इनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी पवित्रता और विश्वास का जीवन व्यतीत करने की कृपा दे। हमारा क्रिस्तीय जीवन प्रभु दूषित ना हो। इस संसार में रहते समय हम इस संसार के ना बन जाएं, सदा तेरा जीवन जीने के लिए हम तत्पर रहे। तेरी आत्मा हमारा उद्धार करे, हमारे जीवन में तेरी आशीष सदा बनी रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।